सभी से गुजारिश करता हूँ वो अपनी जगह से खड़े होकर इलाज प्रदान के लिए आदर में बैंड प्लीज। Honorable Minister of Waste, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister of State for Road Transport, Highways and Civil Aviation, General Dr. V.K. Singh, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, Honorable Members of Parliament, Dr. Farooq Abdullah sahab, Janab Mohammed Akbar Lohan sahab, Janab Hassan Masoodi sahab, other distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. मैं हूँ आज की इस खबरी पर टूटी हुई मुंडेल पे छोटा सा एक दिया, टूटी हुई मुंडेल पे छोटा सा एक दिया, मौसम से कह रहा है आंधी चला के देख। हर महफिल के आगाज में चिराग रोशन होते हैं, ये चिराग, ये रोशनी आने वाली कामयाबी के लिए एक नेक शगुन होता है। इसलिए कामयाबी, तरक्की और खुशहाली की शुरुआत हम इस महफिल में करेंगे दिया रोशन करके। मैं गुजारिश करता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जनाब नितिन गडकरी साहब को और जो बाकी गेस्ट हमारे हैं कि वो दिया रोशन करें आज की इस महफिल की शुरुआत के तौर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रोशनी है चारों ओर फैल जाएगी और धरती में बाहर जो मुश्किल बंदी होगी। और आज के बाद में भी सारे प्रोजेक्ट्स जिनकी यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी, कश्मीर और जम्मू को आखिरी एक नई बाहर की तरह मेरी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि वो फूलों और शाल से स्वागत करें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का। बहुत गौरव जात पानी के साथ मैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के बिहाफ पे माननीय
श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल एलजी महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन डॉक्टर वी के सिंह जी, फॉर्मर सीएम एंड ऑनरेबल एमपी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, ऑनरेबल एमपी हुसैन मसूदी जी, आप सबका आज के इस शुभ अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इस अवसर पर यहां आए और आपने हमारी हौसला अफजाई की। आज तीन सड़कों का फाउंडेशन स्टोन, जो कि टू लेन की सड़कें हैं जो कश्मीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती हैं, उनका फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा। और एक सड़क जो जम्मू श्रीनगर रिंग रोड, जिसका काफ़ी समय से इंतजार था, पहले हम थोड़ा उसमें असफल रहे थे, उसको हमने भी अवार्ड किया है 42 किलोमीटर का, उसका आज कार्य की शुरुआत होगी माननीय मंत्री जी के कमलों द्वारा। आज आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू वेलकम ऑफिसर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड माई फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया एंड प्रेस हु हैव कम एंड ग्रेस द ओकेजन। आई ऑल्सो थैंक सिटीजन्स ऑफ द स्टेट ऑफ द यूटी हु आर प्रेजेंट और हु आर वर्चुअली प्रेजेंट इन दिस इवेंट। आई थैंक देम ऑल। थैंक यू। गुजरा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स एक साथ मौजूद हैं, जो कि मिलजुल कर जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और अमन सुकून के लिए अंत कोशिशें करते हैं। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दावत देना चाहूँगा हमारे इज्जत बाब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब को, जो आज की तकरीब के हवाले से अपने जरिए ख्याल का इजहार करें। इस शहर के साथ वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। प्लीज हेल्प मी वेलकम। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और सिविल एविएशन के राज्य मंत्री आदरणीय श्री वी के सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, माननीय सांसद हुसैन मसूदी जी, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता जी, बारामूला DDC चेयरपर्सन सम्माननीय हसीना बेग जी, सफीना बेग जी, अन्य सभी चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रमुख सचिव रोड एंड बिल्डिंग श्री शैलेन कुमार जी, अभी जिनको आप सुन रहे थे NHICL के मेंबर मनोज कुमार जी, भारत सरकार NHAI NHIDCL और प्रदेश जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों तथा मीडिया के मित्रों, जैसा अभी मेरे को बताया गया, आज के जिन तीन महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय गडकरी जी करेंगे, उसके लिए मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को, वी के सिंह जी को और भारत सरकार को विशेष रूप से अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। विवरण मुझे लगता है विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं। एक सड़क है धोनी बाबा आसाजी पूरा बाईपास, जो नेशनल हाईवे 244 नेशनल हाईवे 44 से कनेक्ट करेगी और ये 261 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। दूसरी सड़क है वैलू धोनी पावा नेशनल हाईवे 244 पर 19.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 4 लेन और 8.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 2 लेन तथा तीसरा जो 285 करोड़ की लागत से बनेगी और तीसरा बारामूला गुलमर्ग के उन्नयन का काम है जो 146 करोड़ की लागत से होगा। तो अगर मैं मोटे तौर पर जोड़ता हूँ तो ये 692 करोड़ की ये तीन परियोजनाएं
शुरू हो रही है और निश्चित रूप से यहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास में इनका बड़ा भारी योगदान होने वाला है। साथ ही साथ में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा कि 2014 से लगातार जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए सैकड़ों परियोजनाओं का जाल बिछाने की स्वीकृति उन्होंने प्रदान किया। और मैं मानता हूं कि यहाँ की जो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर था जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया था, आज उसमें काफी गति आई है, प्रगति आई है और मैं समझता हूँ कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकेगा। PMDP प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत 55 बड़ी परियोजनाएं जो मोटे तौर पर 55,000 करोड़ की हैं, उनमें से काफ़ी पूरी कर ली गई हैं, जो बची हैं शेष इस साल पूरी हो जाएंगी, 4 बचेंगी जो अगले साल हम पूरा कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ तो उससे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होगा। एक अभी श्रीनगर बाईपास का जिक्र मेरे पूर्व किया गया, लंबे समय से किन्हीं कारणों से जैसा उन्होंने बताया कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात हमें ध्यान में रखने की है कि एक कठिन परिस्थिति से हम गुजरते हैं, जितने की सड़क नहीं उससे ज़्यादा सड़क का मुआवजा लगता है, लगभग 2292 करोड़ संभवतः ये परियोजना है जिसमें 1200 करोड़ से ज़्यादा जमीन अधिग्रहण की लागत है। कई बार जब मैं रिव्यू करता हूँ, विचार करता हूँ, तो अकेला क्षेत्र है जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी भूमि अधिग्रहित की जाती है और उसके लिए मुआवजा देना पड़ता है। देश के किसी हिस्से में, क्योंकि गांव सड़क से जुड़े, मैं समझता हूँ ये गांव के लोगों की इच्छा होती है और उसके लिए लोग आतुर रहते हैं, लेकिन यहाँ परंपरा चली है तो उसके कारण कई कठिनाई भी आती है और इसलिए मैं विशेष रूप से आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि 1200 करोड़ रुपया मुआवजा देना खुद में एक बड़ी, मैं कहूँ कि कठिनाई वाली, बड़े दिक्कत वाला काम था, जिसको इनके व्यक्तिगत रुचि के कारण और विशेष रूप से रुचि के कारण ये पूरा हो सका है। मैं परियोजना के बारे में विस्तार से जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन एक दो बात मुझे लगता है कि करने की जरूरत जरूर है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और उनकी गति के बारे में सदैव प्रश्न चिन्ह होता था। मेरे मन में जिज्ञासा बराबर उठती थी कि आखिर ये गडकरी जी ने क्या ऐसा कर लिया कि कोरोना या के पैंडेमिक में भी 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड बन गई। तो मैं बहुत विचार करता था कि ऐसा कौन सा जादू है, किस जादू का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा तह में जाने की कोशिश की कि आखिर कारण क्या है, और खोजबीन के बाद मुझे एक दस्तावेज मिला, एक किताब मिली, 1960 की वो किताब है और उसमें मैंने पाया कि जो गडकरी जी की जन्मभूमि है नागपुर, वहीं से हिंदुस्तान की सड़कों का विकास हो गया। और ये इसका जिक्र मैं खास तौर से करना चाहता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में देश में सड़क निर्माण के लिए नागपुर योजना बनाई गई थी। सभी बड़े इंजीनियर्स को नागपुर बुलाया गया, वहाँ एक अधिवेशन हुआ 2 दिन का, और इसमें निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़कें, कुल मिलाकर 4,00,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण आने वाले 10 सालों में किया जाएगा। इसमें नेशनल हाईवे को के प्लान का मूल आधार बनाया गया था और ये महत्वाकांक्षी परियोजना नागपुर योजना के नाम से उस समय प्रसिद्ध हुई थी। तो जिस शहर में इन्होंने जन्म लिया, उसी शहर से आधुनिक सड़कों की परिकल्पना इस देश में प्रारंभ हुई। मैं समझता हूँ कि एक मूल कारण मैं इसको समझता हूँ कि अगर श्रेय नागपुर को जाता है तो इसी कारण श्रेय गडकरी जी को भी जाता है। और जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 2020-21 में
गडकरी जी के नेतृत्व में 13,394 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ तो आश्चर्य नहीं होता है। पहले रास्ता लंबा होता था, सड़क निर्माण की रफ्तार धीमी होती थी, अब आपके स्पीड की वजह से रास्ते छोटे होने लगे हैं और तरक्की और गति ये तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। अच्छे सड़क की विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में एक रिसर्च हुआ देश में आज़ादी के बाद, और उस रिसर्च में ये बात कही गई किसी सामान को रेल या हवाई जहाज से ले जाने में कम से कम 8 बार हस्तांतरण मैंने ट्रांसफर करना पड़ता है, जबकि सड़क मार्ग से अगर माल हम ले जा रहे हैं तो इसकी जरूरत महज 3 बार पड़ती है। पैसेंजर सर्विस के बारे में कहा गया है कि सड़कें समाज में समता तथा विकास दोनों पैदा करती हैं। यहाँ किसी को टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ कि सड़क निर्माण समृद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है, और खासतौर से आज की दुनिया जो लोग इनके कार्यालय में गए होंगे मुझे लगता है कि वहाँ 4-5 लाइनें हैं जो लिख करके गडकरी जी ने अपने जहाँ बैठते हैं उसके पीछे लगाया हुआ है, और उन्होंने उसमें लिखा है, कोट है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिद्धांत भारत में भी लागू होता है, और भारत की समृद्धि का रास्ता अच्छी सड़कों से गुजरेगा, इसको प्रमाणित करके श्रीमान नितिन गडकरी जी ने पूरे देश को बताया है। मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शिद्दत से कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो मुकुटमणि है जम्मू कश्मीर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, और 2014 के पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला करके 7 नेशनल हाईवे हुआ करते थे। 2021 में आज दिन जब हम खड़े हैं तो केवल 11 हाईवे जम्मू कश्मीर में हैं, और कई ऐसे प्रस्तावित हैं जो आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था और माननीय नितिन गडकरी जी के साथ जब विस्तार से हम लोगों की चर्चा हुई थी तो जो हमारी दिक्कतें थी उनका चंद मिनटों में समाधान माननीय गडकरी जी ने किया, और उसके लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कुल जो नेशनल हाईवे की लंबाई थी लद्दाख को मिला करके वो 1695 किलोमीटर हुआ करती थी, आज वो बढ़ करके केवल जम्मू कश्मीर में 2200 किलोमीटर हो गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में इसमें कम से कम 600 किलोमीटर की और बढ़ोतरी होने वाली है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ के प्रगति में, विकास में, आर्थिक उन्नयन में राष्ट्रीय परिवहन मंत्रालय का बड़ा भारी योगदान होने वाला है। मैं बाकी चीज़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन 2014 से 21 के बीच लगभग 1000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में घोषित किए गए हैं, और आप सबको मालूम है कि जो रेल लाइन बन रही है चेनाब नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वो आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा, तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी जुड़ जाएगा। हवाई परिवहन के क्षेत्र में भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं, और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शारजाह की अक्टूबर महीने में हम शुरू करने जा रहे हैं, एयर कार्गो भी इसी सितंबर में ख़त्म हो जाएगा तो एयर कार्गो भी शुरू हो जाएगा। इसके कारण यहाँ के आर्थिक विकास में निश्चित रूप से प्रगति आएगी। ये सच है कि परिवहन परिवर्तन लाता है, और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि 2-3 गुने रफ्तार से सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है देश में। जब प्रधानमंत्री, मैं 2 मिनट समय लूंगा, जरा ग्रामीण सड़कों का जिक्र करना आवश्यक है क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसके शिल्पी भी वाजपेयी जी के जमाने में माननीय गडकरी जी हैं, जब देश में प्रारंभ हुई तो लक्ष्य रखा गया था, पहले जो स्कीम बनी कि 1000 आबादी के जो गाँव हैं पहले फेज में उनको जोड़ा जाएगा। जब देश के बाकी राज्यों के लिए क्राइटेरिया 1000 की थी तो हिली स्टेट्स के जिसमें जम्मू कश्मीर आता है ये आबादी की क्राइटेरिया 500 रखी हुई। जब भारत सरकार ने 1000 आबादी के सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया तब
स्कीम में परिवर्तन किया गया और 500 आबादी के गांव ऐसे विलेजेज जिनकी पॉपुलेशन 500 है उनको लिया गया। और उस समय हिली स्टेट्स के लिए जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स क्राइटेरिया 250 हो गई। और जब विचार हम लोगों ने किया एक दिन, अभी भारत सरकार 2022 मार्च में उस योजना को बंद कर दी जा रही है। हमारी कई सड़कें जो लगता है पूरी नहीं हो पाएंगी मार्च तक। पिछले दिनों में गया था ग्रामीण विकास मंत्री जी से, सचिव महोदय से और आदरणीय प्रधानमंत्री से मैंने चर्चा की कि परिस्थितियां वहां की ऐसी हैं कि कई इलाके में 6 महीने काम नहीं हो पाता, इसलिए समय ज़्यादा लगता है और भी कई कारण हैं। सिद्धांतों उन्होंने सहमति इस पर दर्ज की और ये कहा कि अगर आप सारे सड़कों के टेंडर कर लेंगे तो हम आपको थोड़ा एक्सटेंशन देंगे। मैं आज इस सभागार में कहना चाहता हूँ एक को छोड़ करके बाकी सभी टेंडर हमारे अक्टूबर में हो जाएंगे। एक कोर्ट में एक लिटिगेशन है जिससे हम हल करने में लगे हैं, नवंबर में उसका भी टेंडर करा लेंगे। तो इन सड़कों का निर्माण तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अभी 974 गांव हैं जो 250 आबादी के ऊपर के हैं वो सड़कों से नहीं जुड़ सके। और उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री से विशेष रूप से आग्रह किया है इसकी कोई व्यवस्था भारत सरकार को बनानी होगी, क्योंकि हम अपनी क्षमता से जब करते हैं तो 100-110 से ज़्यादा सड़क हम हर साल नहीं जोड़ पाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष निश्चित रूप से बाकी जो गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं उनकी योजना हम स्वीकृत कराएंगे और आने वाले 2-3 वर्षों में हर गांव तक सड़क पहुँचाने का काम निश्चित रूप से हम करेंगे। प्रगति भी पिछले 1.5-2 वर्षों में गति देने का काम हुआ है। और मैं आंकड़े देख रहा था तो मैं आज कह सकता हूँ जिम्मेदारी से कि स्पीड हमारी दुगुनी नहीं 3 गुनी हो गई। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 2200 किलोमीटर सड़कों का मैक्डमाइजेशन, यहाँ बड़ा प्रचलित शब्द है, हुआ करता था। पिछले साल हमने 5200 किलोमीटर किया है और इस साल 8000 किलोमीटर मैक्डमाइजेशन हम इस यूटी में जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं। नई सड़कों का निर्माण या जो सड़कों के रख रखाव का मामला है, मैं कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में इस दिशा में गंभीर प्रयास किए गए हैं। कोरोना के बावजूद भी जिस गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों की तुलना में खड़ा हो सकेगा। पिछले एक साल में 11 टनल के प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है जो जम्मू कश्मीर में है और 10,000 करोड़ की लागत से चेनानी किश्तवाड़ हाईवे पर 4 टनल बनेगी। 4,000 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आधुनिक परिवहन व्यवस्था के लिए टनल बनाए जाएंगे। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 फ्लाईओवर जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में बनाए जाएंगे। अभी कल माननीय मंत्री जी जाने वाले हैं, श्रीनगर लेह कॉरिडोर जेड मोड़ टनल आज वो पूरा हो गया और इस बार सोनमर्ग बर्फबारी में भी लोग जा सकेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब एक दिन वहाँ जा कर के होके आए, मुझे लगता है कि मैं बात सही कह रहा हूँ। और जब ये मुझे बताया गया कि परियोजना 2012 में शुरू हुई, 9% काम हुआ और परियोजना ठप हो गई, जो काम कर रहा था वो यहाँ से गायब हो गया। गडकरी जी का इनोवेटिव एक मॉडल है, फिर उन्होंने विशेष प्रयास किया और आज इनके उस प्रयास के कारण मैं कहना चाहता हूं कि आज वो टनल पूरी हो रही है, इसका श्रेय श्रीमान नितिन गडकरी जी को जाता है और इसके लिए मैं फिर से एक बार उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे आज कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात इकोनॉमिक्स की मैं थोड़ी करूँगा कि अगर 100 रुपये सड़क बनाने पर खर्च किए जाते हैं तो उससे समाज के लिए 280 रुपये का लाभ होता है, यानी लगभग 2.8 टाइम्स। और अगर हम 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो समझिए कि 2800 करोड़ रुपए। अब जो मैंने आज 3,000 या 3200 करोड़ की जो जिन परियोजनाओं का काम आज प्रारंभ हो रहा है तो उसमें 3 गुना कर लीजिए, इतना लाभ होने वाला है, ये तो आज का है। लेकिन और जो पाइपलाइन में है जो 2-3 महीने में शुरू होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि केवल भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के कारण इस यूटी को कम से कम जो परियोजनाएं स्वीकृत हैं 2.8 के अनुपात में हम देखें
1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ जम्मू कश्मीर को होने वाला है। मैं इतनी बात कहता हूँ, फिर से एक बार आदरणीय नितिन गडकरी जी का, बीके सिंह जी का, भारत सरकार से आए हुए NHAI NHIDCL के सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन सड़कों के निर्माण के बाद घाटी की पूरी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। ऐसे स्थान जहाँ जाने में दिक्कत होती थी, समय ज़्यादा लगता था, अब समय भी कम लगेगा, सुविधापूर्वक हम जा सकेंगे। मैं इतनी बात कहते हुए फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। बहुत शुक्रिया सर। आज रास्ता अपने सफर में रामनाथ की तफसीर पूछ ले, कतरे की वसतों में समंदर तराश कर। मैं बड़े एहतराम के साथ गुजारिश स्टेट RTH एंड सिविल एविएशन जनाब जनरल डॉक्टर बीके सिंह साहब को रोडाइज पर तशरीफ लाकर अपने तासरात से हमें नवाजे। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद भारत सरकार के बहुत ही यशस्वी, बहुत ही कर्मठ और एक ऐसे मंत्री जिनके नीचे चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई देता है, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट परिवहन के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जम्मू और कश्मीर के एक्टिंग गवर्नर जो कि पूरे समय जब से वो यहाँ पर आए हैं, मैं तो जब भी उनसे मिला हूँ जम्मू कश्मीर की खुशहाली और प्रगति ही उनके मुंह से निकलती है कि कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाए। मनोज सिन्हा जी हमारे बहुत ही माननीय सम्माननीय हैं, उनको जानने का मौका मिला, और हमारे दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब मौजूद मेहमान जो जम्मू और कश्मीर की खुशहाली चाहते हैं, आप सबको बहुत। जम्मू और कश्मीर की खुशहाली और देश की खुशहाली अच्छा होगा, सड़कें अच्छी होंगी, उसके साथ बाकी जो चीज़ें वो अच्छी होंगी, ताकि लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह जा सके, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और इसी चीज़ को लेकर गडकरी जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं रखी हैं जिससे कि पूरे देश के अंदर एक बहुत अच्छा और बेहतरीन रोडों का जाल बिछ गया है। समय कम लगने लगा है। आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि पहला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे जो बनाया गडकरी जी ने वो बम्बई से पूना का था, और वो इतना अच्छा था कि कुछ दिनों के बाद बम्बई से पूना की हवाई सर्विस बंद हो गई, लोग बाग रोड से ज़्यादा जाने लगे। और अब जिस तरीके से काम चल रहा है, जैसा कि नितिन गडकरी साहब ने बताया, जो हाईवे बन रहे हैं वो इस चीज को देखकर बनाए जा रहे हैं कि आपको कम से कम समय लगे। अगर कोशिश की जा रही है कि दिल्ली से कटरा 6-7 घंटे में पहुंच सके, कोशिश की जा रही है कि उसके आगे श्रीनगर तक आने में आपको 3-3.5 घंटे से ज़्यादा ना लगे, इन सब के ऊपर काम चल रहा है। और जितना काम चल रहा है उससे ये भी कोशिश की जा रही है कि पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाई जाए ताकि रास्ता अच्छा हो, पहाड़ जो टूटता है उसका उससे जो नुकसान होता है वो कम। जो आज की तारीख में तीन बड़े चीज़ों का, जिनका मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी संगे बुनियाद रखी जा रही है, लेकिन वो तो क्योंकि वो खुद ही बुनियाद है आपकी, ऐसे तीन बड़े कामों का आज भूमि पूजन हो रहा है जिससे कि यहाँ पर एक पुरानी जो डिमांड थी ट्रैफिक के कारण जो उठती थी वो ठीक हो सके। श्रीनगर का रिंग रोड है और इसकी बहुत पुरानी एक चली आ रही है डिमांड की, कैसे इसको
ठीक किया जाए। जितना हाईवे के ऊपर काम चल रहा है, चाहे श्रीनगर को जोड़ने का हो, चाहे लेह को जोड़ने का हो, चाहे कारगिल को जोड़ने का हो, उन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और हमें इस चीज की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अगले 2-2.5 साल के अंदर ये सारे काम पूरे हो जाएं। हम चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सड़कें बने, उससे लोगों के अंदर एक खुशहाली आए, ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे तरीके से चला सके। अब ये दौर है, कैसे यहाँ पे जो अच्छी कारीगरी है, जो अच्छा उत्पाद है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको कैसे बाहर ले जाया जाए। और इसके लिए आपने देखा भी होगा कि एयर टर्मिनल को भी नया बनाया जा रहा है, कार्गो के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान में रख के की गई हैं कि वादी के लोगों को और जम्मू के लोगों को सब तरह की सहूलियत मिले। पहले जितना समय लगता था, उतना समय ना लगे। मुझे आशा है कि इन सब चीज़ों का आप पूरे तरीके से स्वागत भी करेंगे और इसके अंदर योगदान भी देंगे, ताकि हम और इसको अच्छा बना सकें। हर काम जो कि सोचा गया था, उसका उसके टेंडर निकल गए हैं, काम शुरू हो गया है, और जैसे मैंने बताया, अगले 2-2.5 साल के अंदर उनके ऊपर काम पूरा हो जाएगा। मैं आप सबको इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हैं, और हमारे बहुत ही तेजस्वी मंत्री नितिन गडकरी जी को सुनेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए वो क्या क्या सौगात लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूरे जम्मू कश्मीर को लंबे समय से इंतजार था, खुशहाली और तरक्की की वो नई सुबह जिसके झिलमिलाती किरणें जम्मू कश्मीर के जर्रे जर्रे को रोशन करेंगी। आज इस शुभ घड़ी में हमारे हरदिल अजीज ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब नितिन गडकरी साहब जम्मू कश्मीर के लिए 4 बड़े सड़कें उनके साथ ही बहुत ही अहम प्रोजेक्ट का आगाज भी करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे मंत्री महोदय से कि वो इन प्रोजेक्टों का बाकायदा इतना करें। तालीम के साथ एग्जिस्टिंग कैरेज वे और सेक्शन सेकंड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 2-lane बाईपास फ्रॉम गोनी तलवार वाया अशाफी तलवार। से भरी केसर की घाटी कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भारत भूमि का मुकुट कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। भारत सरकार जम्मू और कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनेक परियोजनाएं चला रही है, जिनमें सड़कों का विकास प्रमुख है। सड़कों के सुधार, विकास, चौड़ीकरण और अपग्रेडेशन की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस क्षेत्र को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा रही हैं, जिनमें जुजला और जैमोर सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं सहित रामबन से बनिहाल, खिलानी से किश्तवाड़, चेनानी से अनंतनाग, सिंथल पास, खिलानी बाईपास और छत्रों से अनंतनाग सुरंग मार्ग के लिए शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन नई परियोजनाओं के क्रम में जम्मू और कश्मीर में 3 और ऐतिहासिक परियोजनाओं का शिलान्यास तथा श्रीनगर रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। NH-701A के 12 गुलमर्ग खंड पर मौजूदा कैरिज वे का सुधार व अपग्रेडेशन का कार्य यहाँ के विकास को नए आयाम देगा। 12 गुलमर्ग सड़क मुख्य रूप से उत्तरी कश्मीर के स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग की जाती है।
ये सड़क बारामूला गुलमर्ग की दूरी को बारामूला गुलमर्ग रोड वाया नरवन तथा तंग मार्ग की तुलना में कई किलोमीटर कम कर देगी। साथ ही सड़क के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण से बारामूला जिले के कंडी क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ाकर रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगी। पैकेज 6 के अंतर्गत NH 244 के खेलानी खानबल खंड के बायलू से दूनी पावर तक 28 किलोमीटर दो लेन और चार लेन का पेड शोल्डर के साथ निर्माण व अपग्रेडेशन का कार्य भी किया जाएगा, जो स्थानीय लोगों को सुगम आवागमन की सौगात देगा। पैकेज 7 के अंतर्गत NH 244 और NH 44 को जोड़ने वाले 8 किलोमीटर लंबे अंचीपोरा दूनी पावर से खुदवानी तक दो लेन बाईपास बनाया जाएगा। पैकेज 1 के तहत शुरू होने जा रही 4 लेन रिंग रोड कुल 42 किलोमीटर की होगी। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए 2920 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका निर्माण दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। इस रिंग रोड के बनने से बारामूला, कुपवाड़ा, बांकीपुरा, गुरेज, कारगिल और श्रीनगर जाने वाले लोग श्रीनगर शहर के भारी यातायात दबाव से बच सकेंगे। जम्मू और कश्मीर में सड़क और सुरंग परियोजनाओं के बनने से युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग के नए अवसरों का सृजन होगा। पर्यटन के विकास से यहाँ के निवासियों की आय बढ़ेगी। यहाँ के कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जियाँ, सूखे मेवों की बाजार तक पहुँच आसान होगी। सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव होगा। आवागमन आसान और सुगम होगा। संक्षिप्त में कहा जाए तो जम्मू और कश्मीर के लिए ये सड़क परियोजनाएं प्रगति के नए द्वार खोलेंगी। दृढ़ संकल्प के साथ प्रगति की नई शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत मोहतरम, अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारों सफर की इब्तिदा है। जिंदगी एक मुख्तसर सा सफर है और इस सफर में कई लोग रास्ता ढूंढते ढूंढते ही चले जाते हैं और कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं जो अपना सफर कामयाबी और हौसले के साथ तय करते हैं। मेरे बहुत पुराने सहयोगी, बहुत अच्छे मित्र जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर में मैंने उनको विशेष जिम्मेदारी दी है कि जो विशेष रूप से ध्यान दें, ऐसे हमारे विभाग के राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सांसद के ज्येष्ठ सहयोगी आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, श्रीमान हसनैन मसूदी जी जो भी सांसद हैं, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत करने का भी मौका मिला। आज बारामूला से गुलमर्ग के बीच करीब 150 करोड़ रुपए की योजना का आज भूमि पूजन हुआ है, चौड़ीकरण मार्ग का। अनंतनाग जिले से वेलू से दूनी पावा तक 2 लेन फ्यूल शोल्डर एवं 4 लेन सड़क चौड़ीकरण, ये भी करीब 290 करोड़ का काम है। अनंतनाग जिले में दूनी पावा से 2 लेन बाईपास का निर्माण, ये भी करीब 8.47 किलोमीटर 261 करोड़ रुपए का काम है, इसकी आज शुरुआत हो रही है। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो श्रीनगर रिंग रोड की है और इस योजना के बारे में अनेक दिनों से मांग हो रही थी। करीब काफ़ी पुराने समय में जम्मू कश्मीर की लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार तब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया था, पर दुर्भाग्यवश लैंड एक्विजिशन न होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ा। तब लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट 400 करोड़ रुपए थी और उसके बाद में
जम्मू वो कश्मीर के राज्य प्रशासन के सहयोग से हमने फिर से लैंड एक्विजिशन अप किया है, और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 100% लैंड एक्विजिशन हमारा पूरा हुआ है। इसलिए मैं एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। 400 के बजाय हम 1200 करोड़ रुपये दे रहे हैं, तो 1200 करोड़ रुपए देते हुए भी हमें कोई दुख इस बात का नहीं है कि हमने जिनकी ज़मीन ली उनको अच्छा मुआवजा दिया है। ये जो रिंग रोड है ये 3000 करोड़ रुपए की लागत से 42 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, और इस रिंग रोड का काम अगस्त 2021 में प्रारंभ हो गया है। यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। यह रिंग रोड श्रीनगर के गलंदर से सुम्बेल रोड क्रॉसिंग तक बनेगी, और इस रिंग रोड के बनने से बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, कुरेज, कारगिल एवं लेह जाने वाले लोगों को श्रीनगर के शहर अंदर नहीं आना पड़ेगा। विशेष रूप से यह जो रिंग रोड बन रहा है इसके कारण निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। एक प्रार्थना मैं एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को करना चाहूँगा। जब मेहबूबा जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तब भी उन्होंने भी इस बात के लिए मांग की थी। उसमें ऐसा है कि हमारे रोड के लिए जो एग्रीगेट लगता है वो दूर से लाना पड़ता है, और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के कारण अड़चने भी होती है। उस समय यहाँ बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ था, जनता की काफ़ी चल संपत्ति काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अगर ये रोड के विशेष रूप से जो रिवर्स है बड़े बड़े झेलम जैसे, इनके अंदर में काफ़ी सेंटेज पड़ा हुआ है और उसके कारण बाढ़ जल्दी आता है और लोगों का नुकसान भी होता है, और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि आप जहाँ से आते हैं गाजीपुर, वहाँ मैंने जलमार्ग बनाया गंगा में। और जब हमने ये जलमार्ग बनाने की बात कही थी तब किसी का विश्वास नहीं था। मोदी जी ने भी मुझे एक बार कहा था कि इसका जिक्र मत करो क्योंकि नहीं होगा। जेटली जी ने कहा कि बजट देने से होने वाला काम नहीं है। और फारूक जी, हमने गंगा का जलमार्ग वाराणसी से हल्दिया पूरा किया है, जहाज चलने लगे, क्रूज चलने लगे। फिर उसके बाद हमने बंगाल की खाड़ी से समुद्र है, फिर हमने मैंने मेरे समय में ब्रह्मपुत्र में भी ड्रेजिंग पूरा किया 3 मीटर का, और उसके बाद में बराक रिवर जो है उसका भी पूरा किया, और 1 से 3 भारत के रिवर्स को जलमार्ग में परावर्तित करने वाला बिल भी पार्लियामेंट में पास किया, और उसमें झेलम भी है, आपके यहाँ की भी नदियाँ हैं। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि वहाँ से जो पत्थर निकलते हैं वो कुछ मटेरियल हमारे काम में आएगा, और कुछ मटेरियल जो होगा वो हम लोग इस प्रकार से उसका पत्थर जैसे प्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट करके दोनों बाजू में, रिवर के बाजू में ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे कि बाढ़ के कारण किसका नुकसान भी नहीं होगा, और उसका जो मटेरियल है वो रोड में यूज होगा, तो उसके कारण बड़े प्रमाण पर हम विदाउट एक पैसा भी आपसे न लेते हुए आपका बाढ़ का भी होने वाला नुकसान टल जाएगा, और उसके साथ साथ रोड के काम में भी ये काम में आएगा। हमारे महाराष्ट्र में 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की क्योंकि पानी नहीं, और इसलिए हमने इस प्रकार से एक बुल्ढाणा पैटर्न में अनेक रोड पर ब्रिज कम बंधारे बनाए, पानी को रोका, और पानी की बहुत ही दिक्कत है वहाँ, और उसके साथ साथ हमने नदी नालों का खोलीकरण और उन्नीकरण किया। इतनी सुबत्तता आई है, इतनी समृद्धि आई है कि वहाँ लाखों एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, और कुएं को पानी जो नहीं था वो पानी आ गया। तो आपको तो आपके यहाँ तो वो समस्या नहीं है, और ये जो काम हम कर रहे थे उस एनजीओ को जिसमें मैं सहयोगी हूँ उसको वर्ल्ड अवार्ड मिला। तो मेरा आपसे अनुरोध है जम्मू कश्मीर की प्रशासन से कि नदियों के बारे में अगर वो कहेंगे और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए भी अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से ये जो श्रीनगर का जो रिंग रोड हम बना रहे हैं उसके लिए दूर से एग्रीगेट लाने के बजाय ये नदियों का ही अगर ये पूरा मटेरियल अगर हम निकाल कर करेंगे तो विन विन सिचुएशन सबको है,
जिससे बाढ़ के कारण कभी श्रीनगर का नुकसान भी नहीं होगा, और हमारे रोड बनाने के लिए हम वो मटेरियल यूज़ करेंगे, तो आपका ये नुकसान टलने के लिए आपको एक रुपये खर्चा भी नहीं करना होगा। ये फुगट में काम हम NHAI की तरफ से करके देंगे, तो पूरे जम्मू कश्मीर में आप इसके बारे में अगर नीति स्वीकार करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी NHAI DCL जो कंपनी हमने स्थापन की थी, कल मैं गुलमर्ग गया था तो जाते समय काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा था, पिछले बार मैं गया था, तो यहाँ मुझे दो सुझाव देने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं, यहाँ की बसेस मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, CNG, इस पर बसेस लाई है, और मेरे विभाग से हम ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, और ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना चाहिए, इससे बहुत पोल्यूशन तैयार होता है। और बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं अथॉरिटी से ये कह सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये अब सबसे बड़ा उपयोग का काम साधन है, और प्रधानमंत्री ने मुझे रोप वे, केबल कार, फनकुलर रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी सबकी जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे एक रुपये नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूँ। मैं आपसे कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूँ, केवल मुझे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन दो काम करा दीजिए। अभी हिमाचल प्रदेश ने मुझे 15 रोपवे और केबल कार का प्रपोजल दिया है, और मैं अपने ही पैसे से वो बना रहा हूँ। केवल मैंने उनको कहा कि एक नीति बनाइए, आप क्या जो हाइड्रो पावर बनती है काफ़ी जम्मू कश्मीर में भी बनती है, उसका रेट कम है, और एक आधे प्रोजेक्ट को 5-10 मेगावाट लगेगी। तो हिमाचल प्रदेश को मैंने ये कहा था कि आपके यहाँ पावर सरप्लस है, आप रोपवे केबल कार जो चलेगी इलेक्ट्रिक पर, उसके लिए आप 4 रुपये/यूनिट से पावर दीजिए, बस इतना करिए और इतने क्लियरेंस दीजिए, बाकी सब मैं वायबल करके पैसे लाऊंगा। और यहाँ जो आपके यहाँ दो ही वर्ल्ड में कंपनी है, प्यूमा जिसने आपके गुलमर्ग में बनाया, और दूसरी है डॉफल में जो हमारे ऑस्ट्रिया की है, और दोनों टेक्नोलॉजी हमने लाई है, और मेरे डिपार्टमेंट ने इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो भी तय कर दिए, और अभी तो मैं देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज सेकंड लेवल, और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिक पुणे में बना रहा हूँ, शिरूर से लेकर वागोली तक 50 किलोमीटर, चेन्नई में बना है, मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है, तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये रोपवे, केबल कार, फनिकुलर रेलवे की, जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए, और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फनिकुलर आपको कश्मीर में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए भी हम कटरा में अभी इंटरमोडल स्टेशन बना, आपने सहयोग दिया, बहुत बड़ा स्टेशन बना, वहाँ हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, बस पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पार्किंग प्लेस बना रहे हैं, काफ़ी सुंदर बना रहे हैं, और ये आपके सब स्टेशन के लिए मैंने मनोज कुमार जी को जो बैठे हैं उनको कहा कि मुझे ऐसा आर्किटेक्ट नहीं चाहिए, तो हबीब खान करके हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, मेरे मित्र थे, और वो यहाँ आके थे श्रीनगर, और आपके पूरे रोड साइड एमिनिटीज़ और कटरा से लेकर सब डिज़ाइन करने के लिए मैंने उनको कहा, और उनके जो डिज़ाइंस हैं आज मनोज कुमार जी जाने के पहले आपको दिखा देंगे, इतने सुंदर डिज़ाइंस बनाए हैं कि ये वर्ल्ड प्राइड की जगह से डिज़ाइन बनाए हैं। तो मैं आपको ये निश्चित रूप से जम्मू श्रीनगर में भी, यहाँ मैं कल कुछ व्यापारियों से मिला, मुझे रास्ते में तो कह रहे हमारे लॉजिस्टिक ये नहीं है, कॉस्ट बढ़ती है, तो मैंने कहा कि मैं आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर कम कर दूँगा। तो आपका यही है कि श्रीनगर के इस रोड पर भी आप कहीं अगर ज़मीन मुझे धन कर देते हैं तो मैं जब यहाँ श्रीनगर के लिए भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसें देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जब हॉर्न छोड़कर सब बचता है,
और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप्पर बैठे हुए लोग नहीं, बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप्पर लोग बैठते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए, ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ, और ये सस्ता है, टिकट आधा हो, क्योंकि एक बेस की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई जो गन्ने के जूस से होता है, नागपुर में 35 बसेस चली, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पुणे में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों में पुणे में था कोल्हापुर कराड़ में, तो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई, वो बसेस की 50 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ जरूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है, और इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करिए। और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, अब रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो, और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल को इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल उसकी, वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसी अब खरीदने का निर्णय कर लिया, मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है, और ये प्राइवेट 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट है इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपये पर किलोमीटर है, और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपये भी पर किलोमीटर कॉस्ट है, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी, तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। मुझे आज खुशी है कि मैं विशेष रूप से ये एक बात में मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, क्योंकि ये जम्मू से श्रीनगर ये जो रोड है ये लाइफ लाइन है यहाँ की, और ये कुछ ना कुछ कारणवश थोड़ा देरी हुई है, पर मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आज से 2 साल के अंदर जम्मू से श्रीनगर का प्रवास 3 घंटे के अंदर होगा, ऐसा ही अच्छा रोड है। ये 230 किलोमीटर की परियोजना प्रगति पर है, और इसमें उधमपुर से श्रीनगर से बनिहाल तक 170 किलोमीटर की 4 लेन का काम हो चुका है। उधमपुर और बनिहाल के बीच 60 किलोमीटर काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा, और शेष 20 किलोमीटर जिसमें रामसू और बनिहाल के बीच सुरंगों और पुल का निर्माण शामिल है, वो अगले 2-2.5 साल इसको लगने वाला है। ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये जम्मू श्रीनगर ये जो लाइफलाइन है आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ 4 लेन में कुल 20 सुरंगों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 4,500 करोड़ रुपए की लागत से वाली 6 सुरंगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है, जिसमें 9 किलोमीटर चेनानी नाशरी सुरंग और 9 किलोमीटर काजीकुंड बनिहाल शामिल है। बाकी का भी काम अब शुरू हो जाएगा, लगभग अवार्ड हो गया है, और इसके पूरा होने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 230 किलोमीटर हो जाएगी, और करीब 3 से 3.5 घंटे के अंदर आप निश्चित रूप से आ सकेंगे। पर मैं केवल जम्मू के श्रीनगर तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली से जुड़ने की बात कर रहा हूँ, और वो यही है कि दिल्ली से कटरा हम लोग एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र में जो रेल को दिल्ली से मुंबई 9 घंटे लगते थे, तो बाद में मैं कहता था कि 2 घंटे होगा तो लोग हंस रहे थे, पर अब रोड बन गया तो 1.5-2 घंटे में आते हैं। अभी हमने तय किया है कि दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। उसमें अब दिल्ली से देहरादून और इसका पहला ही जो पुराना रोड हमने अच्छा बनाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से, अब लोग 3 घंटे में आ रहे हैं, और जब नया रोड हम पूरा नया एक्सेस कंट्रोल बनाएंगे तो ये संभव है। परसों मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था जो हमने बनाया, 70% के काम हुआ है कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और मैं जब ट्रायल कर रहा था तो 170 किलोमीटर स्पीड से मैं गाड़ी में बैठ कर चल रहा था, पता ही नहीं चला कुछ
इतना अच्छा रोड बना है। और इस दिल्ली मुंबई हाईवे को हम दिल्ली कटरा से जुड़ेंगे और दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में हो जाएगा। और इसमें ये जो हाईवे है इसके बारे में मैं श्रीनगर से भी कैसे इसकी सुविधा मिले, ये भारत माला परियोजना के अंतर्गत 670 किलोमीटर लंबा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर अमृतसर कटरा से जुड़ेगा। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दिल्ली से कटरा ये डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब ये हाईवे जो है इसमें दिल्ली से श्रीनगर की दूरी जो है इसके लिए ये कटरा के पहले कौन सा गांव है मनोज कुमार जी, डोमेल, ये डोमेल से उधर कटरा जाएगा, उधर से हम लोग श्रीनगर आएंगे और डोमेल से श्रीनगर यहाँ से 2 घंटे में होगा। तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में 2 साल के अंदर होगा, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी। इस पर हम 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 130 किलोमीटर है और जिसकी लागत 9,000 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर में इसमें 4 परियोजना में बांटा गया है जिसमें बलसुआ से निकट पठानकोट गुरुदासपुर मार्ग NH 54 से लेकर कुजवानी तक NH 44 को 3 परियोजना में विभाजित किया गया है जिसके लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। यानी दिल्ली से गुरुदासपुर हमने टेंडर लगभग हो गए हैं, अब गुरुदासपुर से कटरा तक के जो 120 किलोमीटर का है वो भी टेंडर फाइनल स्टेज में है। कुजवानी से लेकर कटरा तक लिए विस्तृत परियोजना DPR का भी निर्माण फाइनल हो रहा है और जिसके लिए इसी वित्तीय वर्ष में निविदा आमंत्रित करेंगे। ये एक्सप्रेसवे बनने से मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 17% है, यूरोपियन कंट्री में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है और चाइना में 8% है और अमेरिका में और वेस्टर्न विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री में 12% है और हमारी 16-17% जा रही है जिससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता। बीच में यहाँ से कुछ लोग मुझे मिले थे MSME का जब मैं मंत्री था तो काफ़ी दिक्कतें हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट है पर यहाँ से पोर्ट में ले जाने तक इतना दिन लगते हैं, इतना पैसा लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण तकलीफ है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना ये ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते हमने पहली प्रायोरिटी दी है और इसलिए अब दिल्ली यहाँ से श्रीनगर से मुंबई ये आप 19 से 20 घंटे में आप कार से जाओगे और 30 से 35 घंटे में ट्रक चला जाएगा डायरेक्ट हमारे JNPT पोर्ट पर और कांडला में उससे भी कम इसमें चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट कम होगी और कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी और इसलिए निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है, टूरिज्म के लिए भी आवश्यक है। एक्सप्रेस वे पर यात्रियों की सुविधा के लिए हम 40 यात्री सुविधाएं वेस एंड एमिनिटीज बना रहे हैं जिसमें से 7 स्थान जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित किए गए हैं जिसके डिजाइन निश्चित रूप से मैं आज आपको दिखाने की व्यवस्था करूंगा। एक जम्मू के रिंग रोड की भी योजना करीब 61 किलोमीटर जो है उसमें हम 2100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, श्रीनगर के रिंग रोड पर 3000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं और पुराना बाईपास रोड जिससे मैं कल आया वो ठीक नहीं है, उसके कॉन्ट्रैक्टर को हमने टर्मिनेट कर दिया, नए कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है, वो भी काम आने वाले 6-8 महीने में 100% पूरा हो जाएगा जिसके कारण आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें विशेष रूप से हम लोग जो सांबा मानसर उधमपुर मार्ग जो है जो डोमेल मार्ग को 4 लेन राजमार्ग परिवर्तित करने हेतु भारतमाला परियोजना के द्वितीय चरण में हम उसको ले रहे हैं और उसकी भी हमारी DPR तैयार हुआ है, उसकी भी हम लोग टेंडर पूर्ण निकाल रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से हो जाएगा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में हम जो टनल बना रहे हैं उसका एक विस्तृत ये ऐसा है कि हम लोग करीब जम्मू कश्मीर में 20 टनल बना रहे हैं 33 किलोमीटर की और उसमें निश्चित रूप से ये टनल बनाने के कारण इसमें काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 33 में से 20 किलोमीटर हमने पूरा किया है और निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। NHIDCL जो है ये NHI इतनी 20 किलोमीटर टनल बना रही है और NHIDCL छेड़मोड़ टनल जो गांगीर सोनमर्ग
जोजिला टनल सोनमर्ग कारगिल, ये विशेष रूप से ये जो एक टनल है धर्मशाला ऑन NH-24, खिलानी बाईपास टनल, ये दो है वहाँ, फिर शुद्ध महादेव डांगा टनल, ये भी दो टनल है। तो NHIDCL भी करीब 11 टनल बना रही है, तो ये टोटल 41 किलोमीटर की है। तो दोनों पकड़कर हम लोग दोनों इसमें काम चल रहा है। NHIDCL भी काफ़ी फास्ट काम कर रही है, हमारे डिपार्टमेंट में है। तो मुझे लगता है कि ये टनल के कामों में, अब मैं कल झोजिला और जेडमोर जा रहा हूँ, और जेडमोर बीच में बंद पड़ी थी, ILFS को मिली थी, वो सब आपको पता है कहानी, फिर हमने फिर से उसको दिया, और मुझे लगता है ये 6-8 महीने में पूरी हो जाएगी, जिससे सोनमर्ग खुल जाएगा। तो एक मेरा आपसे सुझाव है कि अब ये जो हिल स्टेशन है, इसको आप अच्छे आर्किटेक्ट से इसका टाउन प्लानिंग जैसा डिज़ाइन करो। कल मुझे गुलमर्ग में भी देखने को मिला कि जिस प्रकार का क्लीननेस यूरोपियन स्विट्ज़रलैंड में मिलता है, वैसा नहीं है। तो आप उस प्रकार का डिज़ाइन करके, क्योंकि इस सब के पीछे एक ही विचार है कि जम्मू कश्मीर के जवान लोगों के हाथों को काम कैसे मिले। और टूरिज्म ही ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 48% कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये केवल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए होती है, जिससे गरीबी दूर होगी, रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, समृद्धता और संपन्नता आएगी। कल मैं एप्पल के एक ऑर्किड में गया था, तो मैं किसान हूँ और मैं अपने क्षेत्र में पेट्रोल डीजल का पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ इथेनॉल पे बसेस ट्रक सब ला रहे हैं, मैं उसको भी मैंडेटरी कर रहा हूँ। अभी 12 लाख करोड़ का हमारा इम्पोर्ट है पेट्रोल डीजल का, और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि देश का किसान ये सब डीजल पेट्रोल का पर रहा दे सकता है। मैं ये नऊ से बोल रहा हूँ, सब लोग देश में बोल रहे हैं, सब इसको मान्य कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजीनियस। तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूएल, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक अवेलेबल है। अभी सोलर की पावर 1.90 रुपये यूनिट मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो होगा वो यहाँ फायदे में होगा। तो यहाँ कल मैं उनको पूछ रहा था कि हमारे देश में, वर्ल्ड में, न्यूजीलैंड से एप्पल क्यों आते हैं, हमारे यहाँ साइबेरिया से क्यों आते हैं। तो मैं, उन्होंने कहा कि मैंने बोला वो हम अभी करेंगे, तो बोले एक पेड़ की कीमत 1400 रुपये है। तो मेरा LG साहब से अनुरोध है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हमारे किसानों को ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो एप्पल है, देखो हिंदुस्तान में हो, वर्ल्ड में हो, क्वालिटी के सिवा कुछ है नहीं, और क्वालिटी अच्छी तैयार करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो यहाँ निश्चित रूप से मनोज जी, अगर ये सस्ते में मिले और यहाँ की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सबसे बढ़िया होगी, तो एक्सपोर्ट में काफ़ी रेट मिलेंगे, और इसीलिए इलेक्ट्रिक का ट्रांसपोर्ट पूरा हो, जिसके लिए मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर, सभी प्रकार के सिस्टम हम बना सकते हैं। अभी तो जो टेक्सला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो एलन मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया, तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर मेरे की दिल्ली मुंबई के बीच में, तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे, अभी उसका काम भी शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपरलूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं, और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्ट है, मेरे पास है, क्योंकि मैं लाखों करोड़ बोलता हूँ, ऐसा नहीं, मैं मेरी मीडिया वालों को बोल देता हूँ कि मेरे एक एक वाक्य को आपके पास लिख लेना, और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही बोलूँगा और जो बोलूँगा वही कहूँगा। तो ये हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर में अभी बस पोर्ट, जैसे बस की वो मैं बना सकता हूँ, आपको केवल जगह देना है, बस पोर्ट बना दूंगा, आपको पार्किंग प्लेसेस 4 हम बना रहे हैं, मुझे अभी NHIDCL को ऑर्डर मिला शायद, तो आप चाहे जितनी जगह पर पोलो ब्लू पार्किंग, नेहरू पार्क पार्किंग, बाका मस्जिद, पटमालू, मीरक शाह टैक्सी स्टैंड, ये सब कार पार्किंग हम बना रहे हैं।
कार पार्किंग, बस पोर्ट बनाने के लिए आप जो भी कहेंगे, आप केवल जगह दो, दो बातें मुझे केवल पसंद है। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। वी आर ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना कि कभी मंत्री को मिला आएगा, मेरे पास कोई नहीं आता। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। कल बहुत अच्छा रोड बनाया यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, जो मैं कल 12 किलोमीटर हमारे NHIDCL ने वो जो गुलमर्ग का रोड बनाया, बहुत सुंदर बनाया। मैंने उसको बुलाकर पीठ पे हाथ रखा था और एक आधा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं काम करता तो उसके धुलाई करने के लिए मैं आगे पीछे नहीं गई। तो इसलिए एक ही है कि आप हमें इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंस और ये जो लैंड एक्विजिशन, दो चीज़ों में आप फास्ट काम करा दीजिए तो बाकी कामों में कोई अड़चन नहीं आएगी। और हम निश्चित रूप से 2 साल के अंदर, मेरा एक सपना है कि अभी इस रेजिम के मेरे अभी एक समय हम लोग, मैं जब मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे थे, अब हम 38 किलोमीटर पर डे रोड बना, 38 किलोमीटर। और मुझे बताते हैं, खुशी हो रही, इसका श्रेय मुझे नहीं, हमारे इंजीनियर्स को है, कॉन्ट्रैक्टर्स को है। अभी हमने एक दिन में 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड 24 घंटे में बनाया, एक दिन में। फिर जो बड़ौदा के पास एक्सप्रेस हाईवे पे बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। एक रोड बीजापुर सोलापुर में हमारे लोगों ने एक 26 किलोमीटर रोड 1 लेन बिटुमेन रोड 22 घंटे में बना। तो आज लोगों में काम करने की क्षमता है पर क्लियरेंसेस चाहिए। हमारे सिस्टम में काम करो मत कह दो, काम बंद करो, काम रोको, ये कहने वाले लोग ज्यादा होते हैं। वी नीड पॉजिटिव एटीट्यूड, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम एंड कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो कोई ऐसा कठिन बात नहीं है और मैं दिल से चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को जल्दी ही अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा तो जम्मू कश्मीर की गरीबी दूर हो जाएगी। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जिसका उल्लेख मनोज जी ने किया था, मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक फेमस स्टेटमेंट अपने ऑफिस में लगा के रखा कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, रोड से विकास होता है, इंडस्ट्री आती है, उद्योग व्यापार बढ़ता है और रोड के कारण टूरिज्म बढ़ता है और टूरिज्म से रोजगार निर्माण होता है और रोजगार निर्माण होने से गरीबी दूर होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जम्मू कश्मीर को विकास के इसमें आगे ले जाना चाहते हैं, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति देना चाहते हैं। मैं जब MSME का मंत्री था तो भी मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि यहाँ का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने काफ़ी झगड़े मिटा लिए पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल के। मुझे याद है कि बहुत बार मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि यह दरवाज़ा बंद किया है, अभी आप अभी सोल्यूशन निकालो, इसमें खुलता ही नहीं दरवाज़ा, आपका झगड़ा खत्म करो। तो इस देश में पानी की कमी नहीं है, इस देश में किसी बात की कमी नहीं है और इसलिए आज मुझे खुशी है कि जम्मू का भी रिंग रोड अच्छा जोरों में बन रहा है, श्रीनगर का भी काम शुरू हुआ है, 3,000 करोड़ का रिंग रोड मिला है। कल मैं जोजीला झेड़मोड़ टनल में भी जा रहा हूँ तो निश्चित रूप से एक बदलते हुए जम्मू कश्मीर को मैं एहसास कर रहा हूँ, वो बदल को मैं देख रहा हूँ। और 2 साल के बाद मैंने तय किया कि मैं आऊँगा और मैं आऊँगा गुलमर्ग में और आने के पहले जितनी बातें होगी उतनी पूरी होगी, ऐसी ही मेरी कोशिश होगी। और ये इतनी बातें भी पूरी हुई तो आपको बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी, आपकी तकलीफ पूरी तरह से दूर हो जाएगी। श्रीनगर से जम्मू 3 घंटे में हो जाएगा और श्रीनगर से दिल्ली 8-8.25 घंटे में हो जाएगा। और निश्चित रूप से अगर उस समय अगर LG साहब ने परमिशन दी तो ये जो आपकी नदियां हैं उसमें ड्रेजिंग करके हमारे पैसे से वो मटेरियल रोड में काम में डालकर आपको बाढ़ के कारण भी आपका प्रोटेक्शन करने का भी काम करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। फिर से एक बार फारूक साहब को, हमारे दूसरे भी सांसद हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बार बार आपका आवाज़ मेरे पास पहुँचाने का वो काम करते हैं। और मनोज जी के नेतृत्व में प्रशासन ने भी हमें काफ़ी सहयोग किया, पहले भी किया और करते रहे। और बहुत सी बातें ऐसी है कि जो आगे कुछ मांगे भी हैं, निश्चित रूप से भारतमाला 2 में जैसे मनोज जी ने कहा है, मैं आप सबके और रोड का एक्सटेंशन
एनएच में करके हम उसका भी काम करने की जरूर कोशिश करेंगे। और फिर से एक बार मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए, निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पूरी तरह प्रयास करेगी, इसी विश्वास के साथ आपको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट साइट्स की लाइव तस्वीरें हैं, अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा श्री शैलेंद्र कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी जम्मू एंड कश्मीर, कि वो आपको प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गडकरी जी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने किया और उनके काम के शुरुआत की गति प्रदान की। श्री गडकरी जी अपने काम में समय से पहले पूरा करने के काम में जाते हैं कि जिन कामों का आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, और हमें फॉरेस्ट और लैंड इक्वेशन और एग्रीगेट शासन ने आपने पिछले साल कई सारे टनल, फ्लाईओवर, वायाडक्ट सेंट्रल प्रोजेक्ट से सैंक्शन किए हैं, जिससे हम लोग उनसे तो हम लोगों को साथ काम करने का मौका भी मिला है। जम्मू कश्मीर से और खासकर से साउथ कश्मीर की आत्महत्या को सभी जानते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी विशेष रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, और वो हम सब लोगों को कई महीनों से दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी प्रक्रिया में जहां कहीं भी कोई कमी होती है उसके लिए सदैव आगे रहते हैं। इंचार्ज के रूप में मेरा अपना अनुभव यही है कि जब भी उनके संज्ञान में कोई समस्या लाई जाती है, वो अगले दो दिन में, तीन दिन में करने की मैं सड़क परिवहन राजमार्ग के अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और कर्मचारियों का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। मैं अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम और बारामूला ज्ञापन में अगर किसी का कोई जिक्र बच गया हो तो वो मुझे माफ करते हुए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम को समाप्त घोषित करें। जय। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बाहर आप हमें चाय पे ज्वाइन करें। सब्सक्राइब एशियन मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।